हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ वंदना और आइए आज बनाते हैं ऊन से ये बहुत ही प्यारी सी क्यूट सी बर्ड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ले ली है ऊन और जो भी बची खुची ऊन है, कई सारे कलर्स की है तो और अच्छी बात है। मैंने इसमें तीन कलर्स यूज़ किए हैं, वो ले लीजिए। और ये की ये ले ली है मैंने डायरी, उसमें मैंने खूब सारी ऊन लपेट ली है, मतलब लगभग 20-25 बार इसको मैंने लपेट लिया है अच्छे से और बिल्कुल सीधी सीधी रखी है, कहीं पे ज़्यादा झोल नहीं आ रहा है। अब मैं क्या करूँगी, उसको मैं जो साइड का पार्ट इसका रह गया है लास्ट थ्रेड, उसको मैंने कट कर दिया है और इसको हम निकाल लेंगे बाहर। और बाहर निकालने के बाद भी इसको अच्छे से मैं सीधा कर रही हूँ, देखिए। और इसकी जो जहाँ से ये पॉइंट्स हैं वो कट कर देंगे दोनों तरफ से और अच्छे से एकदम सीधा रखिए इसको। मैंने ग्रीन कलर की तो एक पहले ही काट ली थी और बस अब देखिए इस तरह से इसको बहुत अच्छे से बराबर करके और ये एक्स्ट्रा जो था वो निकाल दिया है। और अब मैंने ले लिया है वाइट कलर का, मैं वाइट, ऑरेंज और ग्रीन तीनों कलर मिक्स करके बना रही हूँ। कोई भी कलर कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। फिर से मैंने बहुत सारी ऊन लपेट के निकाल ली है और इसको मैंने दोनों तरफ से कट कर लिया है और बहुत सुंदर बनने वाली है ये, बहुत इजी है और बहुत मज़ा आएगा बनाने में। तो चलिए बस ये जो ऊन ली थी ना हमने ऑरेंज वाली, इसको मैंने डबल कर लिया है और बीच में से एक छोटा सा थ्रेड निकाल लिया है। यही ऑरेंज वाली ऊन का धागा लिया था, वो मैंने छोटा सा पीस लेके इसको नॉट लगाने के लिए लिया था। अब हम इसको नॉट लगा लेंगे, कस के इसको बहुत अच्छे से 2-3-4 जितनी नॉट्स लगा सकते हैं उतनी लगाइए, लेकिन एक नॉट लगा के मत छोड़िएगा, ठीक है। तो बस देखिए इस तरह से मैंने ऑरेंज वाली को तो नॉट लगा ली है, अब वाइट वाला बीच में रख दिया है और अब वाइट वाले पे भी हम इसको नॉट लगा लेंगे। कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऊन को लपेट के खूब सारा आप ऐसे पीसेस में काट लीजिए और नॉट्स का खेल है बस। देखिए इसके बाद इधर मैंने नॉट लगाई, अब इसमें भी मैं 2-3-4 नॉट्स लगा रही हूँ और ये कट कर देंगे बाद में हम। अभी मैंने ले लिया है ऑरेंज वाला, अब इन दोनों को मैंने एक एक करके पहले अलग अलग नॉट लगाई थी, अब ऑरेंज के साथ में वाइट और ऑरेंज दोनों मिक्स हो चुके हैं, इनको नॉट लगा रही हूँ। इस तरह से देखिए हमारी आधी बर्ड तो तैयार हो गई। अब हम इसके जो पर होते हैं ना वो बनाएंगे। देखिए ग्रीन कलर से मैंने ये बीच में रख दिया है और ये इस दोनों को बराबर पे मैंने ले आई हूँ मैं, और बस इसको अच्छे से खींच के टाइट करते हुए थोड़ा सा हम पकड़ लेंगे। और नीचे से मैंने वाइट वाला जो था ना वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्प्रेड कर दिया है और वाइट ही धागे से मैं इसको वाइट ही ऊन से बांध रही हूँ। और अब बस ग्रीन वाला भी हम थोड़ा सा फैलाते हुए इसके ऊपर ऐसे ले आएंगे, ये इसके पर जैसे लग रहे हैं ना बिल्कुल। और यहाँ पे भी एक और हम वाइट थ्रेड से ही नॉट लगा देंगे और ये ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। अब इसकी रह गई हैं आँखें और इसकी चोंच बनानी, जो इसकी पीक होती है वो। तो बस देखिए इस तरह से नॉट मैंने लगा दी है और ये कितनी सुंदर लग रही है। कलर्स आप कोई भी ले सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो या फिर जो आप कलर कॉम्बिनेशन रखना चाहें। तो बस इसको देखिए मैंने फैला दिया है पीछे से और थोड़ा सा ट्रिम कर दिया है, इसके जो पीछे का निकली हुई थी ऊन उसको मैंने ट्रिम कर दिया है। और मैंने ले लिया है एक ब्लैक वेस्ट, मेरे पास पेपर था उस पर मैंने ये देखिए आईज बना ली है इसकी। तो देखिए बस इसकी आईज रेडी हो गई हैं और मैंने फेविकॉल से इसको चिपका दिया है। और आप चाहें तो इसमें ब्लैक मोती भी यूज़ कर सकते हैं या फिर गुगली आईज आती हैं वो भी इसका उसमें यूज़ कर सकते हैं। अब बनाते हैं इसकी चोंच। तो मैंने ये देखिए ब्लैक एक छोटा सा पेपर ले लिया है ट्राइंगल और उसका कोन जैसा बना लिया है और इसको फेविकॉल से चिपका दिया है। बस ये भी रेडी हो गई। इसको भी हम से जो हमारा इवन नहीं है वहाँ से ठीक से कटिंग करके इसको भी मैं चिपका दूंगी। तो देखिए ये रेडी हो गई है और इसमें मैंने फेविकॉल लगाया और इसमें इसकी चोंच लगा दी। इस तरह से मैंने और भी बनाई है और बहुत इजी, बहुत सुंदर, बहुत प्यारी सी बनी है। तो इस बनाइए बर्ड्स ऐसी और सजाइए अपने घर को। कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।